आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन सीएम योगी ने हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल में हाई एंड मल्टीपल लीनियर एक्सीलेटर मशीन का किया लोकार्पण। राष्ट्र वंदन समिति गोरखपुर के तत्वाधान में आजादी के अमर बलिदानी और चौरी चौरा कांड के नायकों की स्मृति में पैदल मार्च। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट के नेतृत्व में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पौधरोपण और प्रभात फेरी का हुआ आयोजन। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गोरखपुर महानगर का बाजार तिरंगे से सजा। और बलिया के गंगा के कहर से सुहाव ब्लॉक स्थित कुल्हड़िया नई बस्ती और पलिया खास का संपर्क मार्ग 25 मीटर तक हुआ क्षतिग्रस्त। अब खबर विस्तार। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित हिंदू सेवाश्रम और यात्री निवास में 350 से अधिक फरियादियों से मुलाकात कर उनकी फरियादों को सुन आला अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं को निस्तारित करने का आदेश दिया। जनता दर्शन के बाद सीएम योगी हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने अस्पताल में हाई एंड मल्टीपल लीनियर एक्सीलेटर मशीन का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में पहले स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर थीं, पिछले 4 सालों में हमारी सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की हैं। उन्होंने आगे कहा कि गोरखपुर में एम्स शुरू करने के साथ ही अन्य अस्पतालों में भी बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। तकनीक समय के अनुरूप बदलनी चाहिए और तकनीक को हमें समय के अनुरूप अपने यहाँ लागू भी करना चाहिए और तकनीक को लागू करने की व्यवस्था आज प्रदेश के अंदर उस रूप में देखने को मिल रही है। यहाँ पर आज जो एक नई मशीन वेरिएंट ट्रूबीम लीनियर एक्सीलेटर मशीन तो आज यहाँ पर स्थापित हो गई है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ इसके बारे में ज्यादा बेहतर व्याख्या भी कर पाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर अपने प्रस्तावना कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीमाली ने कहा कि कैंसर के उपचार की जो 3 विधियां हैं, एक रेडियोथेरेपी से, दूसरा कीमोथेरेपी से और तीसरा सर्जरी से, रेडियोथेरेपी की जो अत्याधुनिक सुविधा हो सकती है वह इस मशीन के माध्यम से लोगों को क्वालिटी उपचार की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। और आज हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल एंड शोध संस्थान इस मशीन को स्थापित करके यहां पर आने वाले कैंसर से जुड़े हुए पेशेंट को एक बेहतर और धर्मार्थ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे रहा है। मैं चिकित्सा संस्थान को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। राष्ट्र वंदन समिति गोरखपुर के तत्वाधान में स्वतंत्रता संग्राम में शहादत देने वाले अमर बलिदानियों और चौरी चौरा कांड के नायकों की स्मृति में महानगर के चेतना तिराहे पर एक कार्यक्रम आयोजित कर पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों के द्वारा मां भारती की स्तुति कर आरती भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य वक्ता अरुण प्रकाश मल ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम अपने राष्ट्र में सुविधा संपन्न जीवन जी रहे हैं और अपनेपन की भावना से राष्ट्र की व्यवस्था के प्रति अपने भरोसे जाहिर कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे उन अमर बलिदानियों का अहम योगदान है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्रीय अस्मिता को अक्षुण रखा। तिरंगा यात्रा सबको ध्यान है, हर वर्ष ये निकलता है। ये भारत की स्वतंत्रता के पर्व एक पर्व है हमारे लिए और उन सब शहीदों को जो भारत अपनी शौर्य वीरता बलिदान किए उनकी याद में उनको पुनः याद करें और स्वतंत्रता का क्या मूल्य है उस मूल्य को हम समझें और आगे अपने देश की अक्षुण्णता को आगे लेके जाएं, इस बात का प्रतीक है। इसलिए हम हर वर्ष ये स्वतंत्रता दिवस तिरंगा यात्रा का उत्सव मनाते हैं।
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर में सांसद मोहम्मद आजम खान के 72वां जन्मदिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा महानगर के बेतीहाता स्थित चंद्रलोक कुष्ठ आश्रम में बच्चों के बीच फल एवं मिठाइयां वितरण कर बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए भगवान से प्रार्थना भी किया गया। इस मौके पर सपा नेता आफताब आलम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों के द्वारा कुष्ठ आश्रम में आकर बच्चों को फल और मिठाइयां वितरित किया गया है। आज के दिन हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशी के दिन है। आज इसीलिए हम लोग आजम खान साहब का जन्मदिन सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल कर ये जन्मदिन पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम लोग का यही कामना है कि जल्द से जल्द स्वच्छ होकर अपने घर आएँ और उनको जो भी प्रताड़ित किया जा रहा है देश भावना के साथ उनको जल्द से जल्द रिहा करने की भी हम लोग मांग करते हैं। अमर शहीदों को याद में NDRF 11वीं वाहिनी के कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन पर क्षेत्रीय पयुत्तर केंद्र गोरखपुर के तत्वाधान में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत पौधरोपण एवं प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस दौरान NDRF डिप्टी कमांडेंट PL शर्मा और डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव के द्वारा NDRF कैंपस से प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके साथ ही NDRF की टीम द्वारा अधिक से अधिक छायादार एवं फलदार पौधे भी लगाए गए। आपको बता दें कि पूरा देश 75वें स्वाधीनता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत NDRF विभिन्न कार्यक्रम कर रही है। उसी कार्यक्रम के तहत गोरखपुर में आज हमने DDMA गोरखपुर विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर एक वॉकाथन का प्रोग्राम रखा था, जिसमें NDRF के रेस्क्यूर्स और डिफरेंट जो कार्यकर्ता थे उन्होंने एक 5 किलोमीटर का पैदल रैली निकालकर लोगों को राष्ट्रभक्ति पर, COVID-19 वैक्सीनेशन पर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और डिफरेंट जो जागरूकता प्रोग्राम है उनके तहत लोगों को जागरूक किया। और उसके बाद लास्ट में हमने NDRF कैंपस के अंदर पौधारोपण करके उस कार्यक्रम का समापन किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व प्रदेशी मंत्री स्वर्गीय यशवंत सिंह के प्रथम पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी के दर्जा प्राप्त मंत्री विभ्राट सिंह कौशिक के द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर नमन किया गया। इस मौके पर वहां मौजूद शिक्षकों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बतौर मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त मंत्री विभ्राट सिंह कौशिक ने बताया कि स्वर्गीय यशवंत सिंह एक महान शिक्षक के साथ साथ शिक्षकों के नेता होकर भी अपने शिक्षक होने के दायित्व को अच्छी तरह से निर्वहन करते थे। आज हम उनके प्रथम पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। एक वर्ष पूर्व सहसा उनका निधन हो गया, तो आज महानगर के हमारे शिक्षक बंधुओं ने, क्योंकि वह एक लड़ाकू शिक्षक नेता थे, संघर्षशील शिक्षक नेता थे, और शिक्षक नेता होने के साथ साथ जो उनकों में हमने स्वयं सबसे अच्छाई पाई थी, यहाँ पर बैठे हमारे कुछ शिक्षक नेता का बुरा नहीं मानेंगे कि शिक्षक नेता लोग क्लास कम लेते हैं, लेकिन वो प्रतिदिन क्लास लेते थे, प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित रहते थे। आप जब कभी भी जाइए तो जो कॉलेज का समय होता है उतने समय में स्वर्गीय यशवंत सिंह जी महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में ही मिलते थे। इस समय पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में गोरखपुर जिले में भी लोगों में इसको लेकर उत्साह है। यहाँ जगह जगह दुकानों पर तिरंगा झंडा, पंपलेट, बैच बिकते नजर आ रहे हैं। पूरा देश आज़ादी में दिख रहा है। कोई घर के बच्चों के लिए तो कोई अपने संस्थानों के लिए तिरंगा झंडा खरीदता नजर आ रहा है। दुकानदार जहां अपनी बिक्री से खुश हैं, वही खरीदार भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं खरीदने? हाँ, खरीदने आ रहे हैं। बढ़िया जी, क्या क्या ज्यादा बिक रहा है? जो आपका झंडा ज्यादा बिक रहा है, झंडा ज्यादा बिक रहा है, झंडा भी है, बिल्ला भी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा ही हमारा जो है सावा जो है जल्द से जल्द आवे वर्षगांठ, जो गोल्डन जुबली मनाया जाए। कितना उत्साह है कल को लेकर? उत्साह तो बहुत ज़्यादा है।
इतना ज़्यादा है कि उसका जो है कोई व्याख्यान करना ही जो है नहीं हो सकता है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बाढ़ की वजह से जनपद के सुहाव ब्लॉक स्थित कुल्हाड़िया नई बस्ती को पलिया खास से जोड़ने वाला संपर्क मार्ग लगभग 50 मीटर तक क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से गांव से संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि गंगा नदी के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से जनपद वासियों की दिक्कतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। बाढ़ के तेज रफ्तार पानी को देखते हुए स्थानीय लोग घरों से पलायन करने लगे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि स्थानीय निवासी अपने सिर पर सामान को लेकर बाढ़ के पानी में घुसकर सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक युवक बाइक के साथ बाढ़ के पानी में पूरी तरह से फंसा हुआ है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। कहाँ घर पड़े राहुल? कहाँ जाता नहीं सब जाते बाढ़ से अब जहाँ जगह नहीं कहाँ जाएगा। कहाँ दूसरे गांव में जा रहे हैं आप लोग? दूसरे गांव में। सब आप लोग का बुड़ गया है? हाँ। घर द्वार सब बुड़ गया है? अभी तक तो ये 50 फीट करने कहला चौड़ाई में, लंबाई में, और करीब करीब 40 फीट के आसपास गहराई में टूटा है। अभी से तो आवागमन बिल्कुल ठप हो गया, एकदम आवागमन ठप हो गया। आवागमन तो करने कहला गांव का ही, और यहाँ ये टूटा है, इससे उत्तर साइड में जो भी घर हैं सब लोगों का, और प्लस इधर से जो लोग जाते थे सबका करने कहला बाधित हो गया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर गुरु कृपा संस्थान द्वारा महिलाओं को जागरूक करने के लिए मेहंदी लगाओ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर छात्रों ने कहा कि 15 अगस्त से पहले इस कार्यक्रम में हम तिरंगे के कलर सहित अन्य जागरूकता का संदेश देने की डिज़ाइन वाली मेहंदी लगा रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि जो महिलाएँ अपने आप को कमज़ोर समझती हैं वो कुछ सीखें। यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं उन लोगों को हम सिखाते हैं, बताते हैं हर चीज़, या किसी भी चीज़ में लड़कियों को कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, हर चीज़ में लड़कियों को हमेशा आगे होना चाहिए, और आज़ादी के रंग में हमेशा मतलब ढलना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने आज मेहंदी के रूप में आज़ादी को सेलिब्रेट किया है। 15 अगस्त को हमने मेहंदी के रूप में किया है कि हमेशा रंग भरे रहना चाहिए। कोरोना संक्रमण के कारण यूपी में लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन में योगी सरकार ने ढील दे दी है, जिसके तहत शनिवार का साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। आज से पूरे यूपी में शनिवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा, यानी बाकी दिनों की तरह शनिवार को भी लोग अपने ज़रूरी काम निपटा सकेंगे। हालांकि योगी सरकार ने अभी रविवार को लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला लिया है। शनिवार को कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद अब बाजारों में जहां रौनक लौट आई है, तो वहीं दुकानदार भी खासे खुश नजर आ रहे हैं। आज से खुली है, ये सरकार की अच्छी पहल है, और व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा था उसकी वजह से, 2 दिन बंद होने की वजह से जी। तो अब हम लोग का नुकसान थोड़ा कम हो जाएगा। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं इस चीज़ के लिए। बलिया जनपद में सार्वजनिक रूप से जुआ खेल रहे 22 लोगों को जनपद की पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पूरा मामला बलिया जनपद के फेफना थाना क्षेत्र स्थित फेफना गांव के राजधानी रोड का है, जहां सरेरा एक घर के बरामदे में जुआ खेला जा रहा था, जहां स्थानीय थाने की पुलिस ने छापेमारी कर जुआ खेल रहे 22 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास से 1,27,000 रुपये नकदी सहित 2 ताश की गड्डी भी बरामद किया है। सूचना ये मिली थी कुछ लोग जुआ खिलवाने का कार्य कर रहे हैं, तो जिसमें लगभग 22 लोगों वहाँ जाके इंस्पेक्टर प्रभारी द्वारा फोर्स को भेजा गया, और वहाँ से जब मौके पर जाके देखा तो वहाँ लगभग 22 लोग बरामदे में एक में जुआ खेल रहे थे, जिसमें कि सभी लोगों को पकड़ा गया है, और वहाँ इन लोगों से नकद 1,27,000 रुपये लगभग वहीं बरामद हुआ है, जिसको थाने पर लाया गया है सबको, और मुकदमा पंजीकृत करके सभी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया जनपद में गंगा नदी हर पल रौद्र रूप अख्तियार करती जा रही है। जनपद के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, और कटान की वजह से कई घर गंगा की लहरों में समा गए हैं। हम आपको जनपद के बैरिया तहसील स्थित उदय छपरा गांव की लाइव फुटेज दिखा रहे हैं, जिसमें एक मकान गंगा की धारा में जमींदोज होती दिख रही है।
आप फुटेज में साफ देख सकते हैं कि घर का हिस्सा किस प्रकार एक एक करके गंगा नदी की धारा में विलीन होता जा रहा है और लोगों के पास अपनी बेबसी पर पछताने के सिवा कुछ नहीं है। यही नहीं, इस समय जनपद का बाढ़ विभाग भी गंगा के रौद्र रूप के सामने नतमस्तक नजर आ रहा है। हालांकि अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए घोषणा किया था कि जनधन की हानि किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि करोड़ों खर्च के बावजूद भी कटान रोकने में जनपद का बाढ़ विभाग पूरी तरह से फेल है। गोरखपुर शहर में फर्जी टेलीकॉम एक्सचेंज खोलकर भारत सरकार को चूना लगाने वाले एक गिरोह का शुक्रवार को एसटीएफ ने खुलासा किया। देवरिया जिले के रहने वाले दो युवक इस धंधे को गोरखपुर में विजय चौराहे के पास एक किराए के मकान में चला रहे थे, जिन्हें एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इनका सरगना बांग्लादेश में बैठा है, वह इनके हिस्से की रकम को बैंक खाते में भेजता था। एसटीएफ के मुताबिक करीब 1.5 साल से यह गिरोह अंतर्राष्ट्रीय कॉल को भारतीय नंबरों के जरिए लोकल कॉल में बदलकर सरकार को चूना लगा रहा था। एसटीएफ ने उनके खिलाफ कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया है। दरअसल गोरखपुर की एसटीएफ यूनिट को सूचना मिल रही थी कि फर्जी टेलीकॉम एक्सचेंज खोलकर कुछ लोग विदेश से आने वाले कॉल को अपने एक्सचेंज के माध्यम से भारतीय नंबर पर ट्रांसफर कर धोखाधड़ी कर रहे हैं। वह लोकल कॉल पर बात कराकर भारत सरकार के राजस्व का भारी नुकसान पहुंचा रहे थे, जिसके बाद गोरखपुर एसटीएफ प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह के नेतृत्व में एसआई सूरजनाथ सिंह, आलोक कुमार राय की टीम ने इस पर काम शुरू किया और पृष्ठ सूचना के तहत बीते शुक्रवार को विजय चौक स्थित गैस गोदाम गली में एक मकान से देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र स्थित कौलाचक गांव निवासी दो भाइयों आरिफ खान और अरबाज खान को भारी मात्रा में सिम कार्ड व अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। गोरखपुर के खोराबाद थाना क्षेत्र के जंगल चौरी गांव के समीप अज्ञात युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लोग 4 लेन से जा रहे थे, इसी दौरान उन्होंने झाड़ियों में शव देखकर शोर मचाया और आसपास के लोगों को भी बुलाकर महिला को दिखाया गया, पर उसकी पहचान नहीं हो सकी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताजी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें आप अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल पर। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।